सो व्हाट इज अप गाइस, इट्स सुरवाइंस ऑफ प्लेज़ यार। तो यार आज मैं दोबारा से खेलने वाला हूँ क्राफ्टर्स एमसी स्काई ब्लॉक, और यार आज मैं बनाने वाला हूँ माइनर्स आर्मर, जो कि यार बहुत ज़्यादा ओपी होते हैं और कॉबल स्टोन से बनता है, एन्चांटेड कॉबल स्टोन से। तो यार मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करी है मैंने। बहुत ज़्यादा बंदों से ट्रेड भी करा, जैसे डायमंड ट्रेड करें और बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करी हैं, और मैंने कॉबल स्टोन भी बहुत ज़्यादा माइन कर लिए। तो यार अब दिखाता हूँ मैं आपको ये चेस्ट खोल के इसके अंदर क्या क्या है। तो चेस्ट खोल लेते हैं और देखो यार, ये रही मेरी ओपी पिकैक्स जो मैंने ट्रेड करी थी। भाई मैं कब से कॉबल स्टोन माइन कर रहा था, मेरे पास 7-8 स्टैक्स तो थे, तो मैंने एक बंदे को वो ट्रेड करे, उसने मुझे अपनी ये वाली डायमंड पिकैक्स दे दी। आप देख सकते हो इसके ऊपर कितनी क्या क्या लगा हुआ है, एफिशिएंसी, फोर्स, टच और टेलीकिनेसिस, तो आप देख सकते हो। और फार्मिंग टैलिस्मैन भी है मेरे पास, जो कि स्पीड बढ़ा देता है मेरी जब मैं फेरिटाइल वैली में होता हूँ तो। और देखो मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स भी हैं। तो यार इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, अभी मुझे चाहिए बहुत सारे कॉबल स्टोन, मतलब अभी तो मुझे रेसिपी भी अनलॉक करनी है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉबल स्टोन चाहिए, तो मैं उसका फार्म बनाऊंगा अभी एक। तो गाइस यार देखो, ये रहा हमारा पूरा माइनर का आर्मर, मतलब इसे भी मुझे अनलॉक भी करना पड़ेगा। देख सकते हो कितने सारे एन्चांटेड कॉबल स्टोन चाहिए इसके लिए, और इसकी एक एबिलिटी भी, अगर आप इसका पूरा सेट पहनोगे तो आपको हेज 2 मिलेगा परमानेंट। तो इसे छोड़ते हैं और अब चलते हैं, अब अपना कॉबल स्टोन माइन करना है। तो उससे पहले मैं एक अपनी एक स्पेशल तलवार बना लेता हूँ, क्लेवर कहते हैं शायद उसे, तो वो देखो कुछ ऐसी तरीके से बनती है, उसकी रेसिपी मेरी अनलॉक हुई हुई है और भाई अभी तक आई नहीं। हाँ ये रहा हमारा क्लेवर, इसे एन्चांट भी कर लूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, मतलब अभी तो मेरे पास है ही नहीं क्राफ्टिंग टेबल बोल रहा हूँ, एन्चांटमेंट टेबल, तो मैं थोड़ी देर बाद इसे एन्चांट भी कर लूंगा, अभी तो ले लेते हैं इसे और अब चलते हैं कॉबल स्टोन माइन करना है। ओ भाई ये बंदा मुझे इतने सारे ऑब्सीडियन और ब्लेज रॉड दे रहा है, अब मैं शायद ब्लेज रॉड का मिनियन बना सकता हूँ। और भाई देखो मैंने कितना बेकार मिनियन दिया और उसके बदले मुझे क्या क्या दे रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉबल स्टोन भी रख देते हैं। और भाई यार दे दे, जल्दी दे दे यार, बल्कि पहले डिज़ाइन बना लेते हैं हम अपना। ओ भाई इसके पास एन्चांटेड कॉबल स्टोन भी है, देखो गाइस मुझे ये चाहिए माइनर आर्मर बनाने के लिए, और भाई ये मुझे दे रहा है 3 एन्चांटेड कॉबल स्टोन दे रहा है, तो ले लेते हैं भाई, जल्दी आ जा। ओ भाई इसने दे भी दिया, वाह यार थैंक यू, यार थैंक यू भाई, क्या नाम है इसका, किलर वाइटी, वाह भाई वाह, थैंक यू यार तुम्हारे देने के लिए। ओ भाई देखो यार किलर वाइटी वापसी मुझे इतना सारा सामान दे रहा है, और ये क्या दिया, डायमंड मिनियन और इतने सारे डायमंड्स। ओ भाई कंफर्म कर लेते हैं, और यार इसने कंफर्म कर भी दिया ट्रेड, और देखो मेरे पास कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं इसकी वजह से। तो अब मैं अपना बना लेता हूँ कॉबलस्टोन जनरेटर, जो भाई बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने वाला है, वो भी स्काई ब्लॉक के अंदर। पता नहीं इसके अंदर काम करेगा नहीं करेगा, स्टोन देगा या कॉबलस्टोन, कभी कभार कॉबलस्टोन देने लग जाते हैं कॉबलस्टोन जनरेटर, मुझे पता नहीं है वो कैसे होता है। तो भाई देखो जो नॉर्मल कॉबलस्टोन जनरेटर होता है ना, ये वैसा ही होगा, लेकिन ये मैं एक्सपेंड कर दूंगा थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे। और यार बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि यार मेरे साथ खेलो, तो यार जिसको मेरे साथ खेलना है वो इस सर्वर के अंदर आ जाए, मैं उसके साथ खेल लूँगा। और अभी तो मुझे अपना आइलैंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, तो आप लोगों के साथ मिलके मैं अपना आइलैंड बड़ा करवा लूँगा। तो कुछ देखो ऐसे बनता है, अब डाल लेते हैं हम अपने कॉबल स्टोन के जनरेटर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी। तो यार देखो इन्हें पता नहीं क्या हुआ, इन्फिनाइट वाटर सोर्स ऐसे नहीं बनना कॉबल स्टोन जनरेटर में, तो मैंने वहाँ चकोर डब्बे वाला वो बना लिया है वाटर सोर्स, तो अब सारा पानी डाल देते हैं। और मेरे पास लावा भी बहुत सारा है, मेरे ख्याल से सारा लावा तो नहीं जाएगा, 2-3 बकेट जाएंगी इसके अंदर, तो अब सामने डाल लेते हैं अपना लावा। दो बकेट तो मेरी हॉट बार में रखी हुई हैं, तो हाँ देखो ऐसे बह के जाएगा तो मेरे ख्याल से सारा काम करेगा, लेकिन फिर भी मैं सारा लावा डाल दूंगा। तो देखो मेरा कॉबलस्टोन जनरेटर बन तो चुका है, अब देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और भाई हाँ ये काम कर रहा है, और आप सोचोगे कि ये सारे ब्लॉक्स मेरी इन्वेंट्री में कैसे आ रहे हैं, तो मेरे पिकैक्स के ऊपर एक एन्चांटमेंट है टेलीकिनेसिस, जो कि मैं कोई भी ब्लॉक तोड़ूंगा वो नीचे नहीं गिरेगा, डायरेक्ट मेरी इन्वेंट्री में जाएगा। और भाई ये मुझे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि कोई भी कॉबलस्टोन अब लावा से जलेगा नहीं। और हाँ यार अब मुझे कोई 25,000 कॉबलस्टोन माइन करना है, समझते हो 25,000, अगर इसमें मिनियन नहीं होते ना तो भाई पता नहीं मेरा क्या होता, क्योंकि भाई मिनियन जो माइन कर रहा है ना कॉबलस्टोन वो भी काउंट होते हैं इसके अंदर। तो यार फाइनली देख सकते हो मेरे पास कितने सारे कॉबलस्टोन है, और मेरी रेसिपी भी खुल गई माइनर आर्मर की, मतलब मैंने पूरे 25,000 कॉबलस्टोन माइन करे हैं, मतलब मिनियन और मैंने साथ मिलके माइन करे हैं। आप देख सकते हो कितने सारे कॉबलस्टोन है, और मुझे भाई डर लग रहा है कि ये भी कम ना पड़ जाए माइनर आर्मर के लिए, क्योंकि ये तो भी बहुत ज़्यादा कम वैसे ही हैं, और मेरे दूसरे चेस्टों में भी हैं बहुत ज़्यादा कॉबलस्टोन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना कॉबलस्टोन, एन्चांटेड कॉबलस्टोन। देख सकते हो इतने सारे कॉबलस्टोन से सिर्फ एक एन्चांटेड कॉबलस्टोन बनता है, देखो यार बना लेते हैं भाई, कितने सारे कॉबलस्टोन लग गए मेरे सिर्फ एक बनाने के अंदर। और सोचो मुझे पूरा आर्मर बनाना है, तो अभी भी मुझे बहुत सारे कॉबलस्टोन चाहिए होंगे।
तो देखो पूरी इन्वेंट्री के कॉबल स्टोन से सिर्फ 11 इंचांटेड कॉबल स्टोन बना है। तो जो जो मेरे पास कॉबल स्टोन है उन सबका मैं इंचांटेड कॉबल स्टोन बनाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो मेरे पास टोटल 20 इंचांटेड कॉबल स्टोन ही हो पाया। और देखो मैंने माइनर चेस्ट प्लेट बना ली। अब बना ले बूट बनाऊँ या लेगिंग्स, पहले भाई जो जो जिसका ज़्यादा डिफेंस है ना पहले वो बना लेता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग डिफेंस है मतलब सब आर्मर के। तो मैंने देखो लेगिंग भी बना ली और भाई अब हेलमेट बन, भाई हेलमेट नहीं बन पाया, बाकी सब बन गया। तो मैं थोड़े बहुत कॉबल स्टोन और माइन करता हूँ और फिर हेलमेट बना के पूरा आर्मर साथ पहनूंगा। तो यार फाइनली मेरा पूरा माइनर का आर्मर बन चुका है। इससे मेरी हेल्थ तो बढ़ नहीं रही लेकिन मेरा डिफेंस बढ़ रहा है। आप देख सकते हो माइनर बूट्स के नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा 103 डिफेंस, ये है डिफेंस। तो भाई ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पीवीपी के अंदर, मतलब बॉब से लड़ने के अंदर। तो यार देखो मैं बन चुका हूँ ओपी स्काई ब्लॉक के अंदर। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सबसे बेकार आर्मर है पूरे क्राफ्टर एमसी स्काई ब्लॉक के अंदर, और भाई मुझे अब खुद पता चला है। और देखो मैंने कितनी मेहनत करी लेकिन फिर भी सबसे बेकार आर्मर है। तो यार मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अगली वीडियो में कौन सा आर्मर बनाऊं। तो यार ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।